वरना तू अपने घर का है। ओ पैसा है तो यही बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो सबसे पहले उनकी बेसिक एक्सपेक्टेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट बेसिक एक्सपेक्टेशन जाने अगर आप डर रहे हो, अपने आप को लो कॉन्फिडेंस कर दे रहे हो, अपने आप को ये फील करा रहे हो, इन्फीरियर फील करा रहे हो कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भाई आप गलत हो। ठीक है, आप गलत हो। यू शुड नो दैट व्हाट दैट कंपनी एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, हाउ यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, हाउ यू कैन मेक दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बात करूंगा कि ग्रोथ क्या है, हाइक क्या है, कुछ नहीं, ये सारे चीज बात नहीं करूंगा। अब बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ बिग फोर, आइदर यू आर गोइंग फॉर डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई एज अ बीटेक ग्रेजुएट। ओके, कौन से प्रोफाइल में आपको डिप्लॉय करेंगे, अगर उस प्रोफाइल में डिप्लॉय करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है उस प्रोफाइल पे। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी आपको प्रोफाइल बेस्ड हायरिंग करेंगे वो, मे बी दे माइंड बी गिविंग यू अ चॉइस कि हाँ ये चार प्रोफाइल में मेरी ओपनिंग है, आप फिल कर दो, बट हायरिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट दे एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम एन कैंडिडेट। ठीक है, अब मैं बातें करूंगा इस पर, उसके पहले जान लूँ हु एम आई एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो बेसिकली आई एम ऑल्सो एन आई टी प्रोफेशनल वर्किंग इन एन आई टी कंपनी सिंस लास्ट फोर ईयर अराउंड, एंड यस आई लव मेकिंग वीडियोज रिगार्डिंग आई टी कंपनीज, कॉलेज रिव्यूज, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, स्विचिंग एक्सपीरियंस, कैंपस टू कॉर्पोरेट, इवन अबाउट if you want to relate regarding IT, switching, transitions, even about on-site, anything, even about cities, Bangalore kaisa hai, Bangalore mein life kaisi hai, Bangalore aana chahiye, dusre cities choose karna chahiye, what can be best for you, what where the more opportunities are there, I love making all those things, I love talking all these things, okay, my interest area is somewhere, Tachur, first of all, Tachur, so I love making, even if you, you can follow me if you want to join my community, and yes, इफ यू रेडी पर्सनल असिस्टेंट, पहले वीडियो को देख लेना, वीडियो नहीं अच्छा लगेगा तो कोई जरूरत नहीं है भाई पर्सनल असिस्टेंट लेने का। वीडियो अच्छा लगे, 10 मिनट तक आपको लगे कि हाँ कुछ वैल्यूएबल था, कुछ अच्छा इनपुट मिला, उसके बाद भी आपको जानना हो तो टॉपमेट की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, चैनल के अबाउट में जाओगे वहां भी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहां मैं 10 मिनट का भी सेशन रखा हूं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे, यू कैन कनेक्ट विद मी, क्लियर अप योर डाउट्स, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, प्लान योर जर्नी, प्लान योर रेज्यूमे, एंड यस ग्रैब opportunity in big four from private college university, if you're from private college university or an IT, kahin se bhi, grab the opportunity, know about their expectation, prepare a resume accordingly. अब basic expectation मैं again बोलूँगा freshers से, आपको तो basic, देखो आप जा रहे हो तो एक basic expectation होता है कि बंदे को थोड़ा logical, programmatical, communication, एक humble बंदा हो, okay, basic expectation बता रहा हूँ, अभी एकदम deep मत जाना, overview दे रहा हूँ, जिसको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग नॉलेज हो, सीरियस हल्का मिड सीरियस स्टूडेंट है, प्रोग्रामिंग नॉलेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है, एंड यस ही इज कॉन्फिडेंस इनफ टू हैंडल क्लाइंट्स, हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड मतलब प्रो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग क्योंकि पहले ही बैकआउट कर देंगे अपने आपको, मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं, गुड मीन्स हु कैन स्पीक, हु कैन कम्युनिकेट, दैट्स इट, ओके, बिकॉज आप कॉर्पोरेट में रह के एज अ फ्रेशर जब जाओगे 6 महीने 1 साल में सब कुछ सीख लोगे, ठीक है, सब कुछ सीख लोगे, उनको भी पता है था फ्रेशर जब वो इनकम अपने अंदर डाल रहे हैं तो उनको ट्रेन कराना है आपको, आप ट्रेन मतलब ये मत समझना बिग फोर सर्विस इंडस्ट्री टाइप 6 महीने की ट्रेनिंग, देखिए ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स हो जाएगी, ठीक है, 1-2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर देंगे और उसके बाद हो जाएगी, तो इनकी जो हायरिंग होती है वो बेसिक एक्सपेक्टेशन, कॉन्फिडेंस, हम्बलनेस, बंदा टिकेगा या नहीं टिकेगा, इन सेंस कि हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो कोडर हो तो क्यों आप कंसल्टिंग आईटी, आप एकदम मिड रेंज को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब में जाओगे, आप हाई कोड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब खोजोगे टेक इंडस्ट्री में, तो वो सारी चीज़ भी चेक होती है, मिड सेगमेंट, गुड कम्युनिकेशन, कंफर्टेबल, अडैप्टिवनेस, इतना चाहिए होता है उन्हें, ठीक है, चाहे आप कोई भी कंपनी में जाओ। हायरिंग जो होती है बहुत बार मल्टीपल प्रोफाइल में होती है कि कभी आई टी ऑडिट के लिए लेंगे, कभी डिजिटल सर्विसेज के लिए लेंगे, कभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेंगे, और आपसे चॉइस पूछ लेते हैं बीयू में डालने के पहले, बट बहुत बार ऐसा होता है कि जनरल हायरिंग में आपको अलॉट कर देते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर योर स्किल सेट, एज पर योर रिज्यूमे, दे ट्राई टू एलोकेट यू इनटू द मल्टीपल बीयूज एंड वहां पे आपकी अलॉटमेंट हो जाती है। तो बेसिकली जो काम होता है राइट नो व्हाई दिस कंसल्टिंग टैक्स ऑडिटिंग फर्म आर हायरिंग टेकीज, रीजन इज दैट राइट नो ईच एंड एवरी बिजनेसेस आर समवेयर टेकिंग सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स ऐसा नहीं है बिल्कुल कि विदाउट टेक्नोलॉजी थिंग्स आर गोइंग ऑन, इट्स लाइक
एवरी बिजनेस है, फ्रॉम इफ यू आर ऑर्डरिंग फूड इन इवनिंग टू ऑर्डरिंग योर मेडिसिन, इवन ब्लिंकिट, स्विगी, एवरीथिंग इज इंडल्ज विद टेक्नोलॉजी. जस्ट लाइक दैट, दैट इज अ बी टू सी दैट यू आर अवेयर अबाउट. जस्ट लाइक दैट, बी टू बी थिंग्स आर ऑल्सो इनकल्केटेड एंड इंटरलिंक विद टेक्नोलॉजी. ओके, सो दे नीड सम कैंडिडेट हु कैन अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, हु नो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हु कैन बी देयर, कैन बी देयर इंटरेस्ट टू परस्यू द डोमेन दैट दे विल बी असाइनिंग टू यू. ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको सब आती होगी, ये एक्सपेक्टेशन है कि आप आओगे तो उसको अपना डोमेन मान के वहाँ पर टिकोगे. ये नहीं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा. आप मान लो अकाउंटिंग के बंदे को उठा लेंगे, वो बोलेंगे नहीं अकाउंटिंग तब सी ए उठा लेंगे, वो तो सी ए बोलेंगे नहीं मेरे को सी ए करना है. बट इंजीनियर फिट्स एवरीवेयर ना ब्रो. वी नो भले इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, बट वी हैव टू फिट इन एनी टेक जॉब दैट वी आर गेटिंग. सो दैट्स व्हाई दे हायर. टेक्नोलॉजी बेस्ड हायरिंग होती है, कभी साइबर सिक्योरिटी में होगी, कभी बिजनेस इंटेलिजेंस में होगी, एसएफडीसी में होगी, पर ऐसे वो माइंड मेंशन नहीं करते आईटी ऑडिट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह से मेंशन होगा, साइबर सिक्योरिटी ऐसे मेंशन करेंगे. तो एज पर योर स्किल सेट यू कैन अप्लाई इट. बेसिक एक्सपेक्टेशन कहीं भी होगा, जो भी टेक, जो भी डिजाइन पे अगर आप कर रहे हो उस हिसाब से आप रेज्यूमे बनाओ. ठीक है, जो भी अगर आपको आता है, जेन्युइनली आता है, उसको रेज्यूमे में पुट करो. रेज्यूमे इज योर फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन, मेक इट लाइक दैट, दैट इज इंप्रेसिव. You can have a better conversation, whatever you are putting in your resume. On the basis of your resume, you can have a better conversation with the panel. Aisa resume hona chahiye. And if you are putting something in the resume, have a go through it to it. Project ek achha dalo, project ke baare mein jano, kya implement kiye ho, kya nahi kiye ho. Theek hai? Ek basic humble candidate chahiye, jo ki communicate well, has done their BTEC with an average, like 7.5, 8 karke rakha hai. 6 mein bhi chalta hai bhai, 6.5 mein sab bhi lete hai, koi dikkat nahi hai. But haan, ek humble banda, कम्युनिकेट वेल, गुड अंडरस्टैंडिंग, कैन बी ट्रेनेबल, इतना ही चाहिए. ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. प्रोफाइल जब आप सेलेक्ट कर रहे हो, मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, इवन यू कैन कंसल्ट विद योर सीनियर दैट व्हाट कैन बी बेस्ट सूट फॉर यू. रिज्यूमे प्रिपरेशन के पहले यू कैन चेक आउट विद एनी ऑफ योर सीनियर और एनी ऑफ योर कलीग हु एनी ऑफ वन हु यू हु नोस टू हु कैन गाइड यू इन दैट. एंड इफ यू नीड एनी पर्सन अंडरस्टैंड आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई टॉप मेंटिंग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे. अब इसमें जब भी आप जाओगे रिक्रूटमेंट पे, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन जीडी को थोड़ा आप प्रैक्टिस करो. कम्युनिकेशन जीडी वाई एम टेलिंग, ग्रुप डिस्कशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर यू हैव टू टॉक ऑन सर्टेन टॉपिक इन अ डिप्लोमेटिक वे. अप्स एंड डाउन आपसे पूछ सकते हैं. यू हैव टू बी हम्बल, यू डोंट हैव टू बी एग्रेसिव, यू डोंट हैव टू बी स्क्रीमिंग ऑन योर पॉइंट, यू डोंट हैव टू जस्ट ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द टीम, यू हैव टू कम आउट विद अ बेटर सोल्यूशन, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन इन अ डिप्लोमेटिक वे, सो दैट it look presentable, it look ethical, it look professional whenever you are presenting yourself. So GD पे थोड़ा काम करो. उसके लिए भी अगर चाहिए मॉक सेशंस कि GD में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, GD में कैसे टॉक कर सकते हैं, GD के लिए थोड़ा टिप्स दे दो, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट ऑल्सो. जब फिर से टॉप मेंट लिंक की बात करूँगा, मैं चेकआउट कर लूँ. आफ्टर दैट GD के बाद रिज्यूमे बिल्डअप विथ सम टेक्निकल स्टफ्स इन दैट, सो दैट यू आर अवेयर विथ अ गुड प्रोजेक्ट डेफिनेटली विल बी एबल टू मेक इट. राउंड्स भाई सिंपलर देन जो रिटर्न राउंड है, सिंपलर एक्चुअली. As we are comparing with any of the service-based company, those who are giving less package also. But filtrations criteria are tough, I would say. So written round में basic aptic quant verbal, और आजकल सुन रहा हूँ कि coding भी डाल दे रहे हैं एक दो, जो कि easy level की होती है, जो कि लाख कुछ KPMG तो डाल भी नहीं रही है, but हाँ Deloitte में सुना कि आ गया है. So be like that and prepare like that. और अगर आप यहाँ से ये कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो आपकी इंटरव्यू सब क्लियर हो जाएगी. और आफ्टर दैट टेक्निकल राउंड होता है जिसमें वो आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे. दैट्स व्हाई ऑलवेज से टू गिव पुट योर टाइम ऑन रिज्यूमे, बिकॉज द टाइम ऑन एफर्ट दैट यू विल बी पुटिंग दैट विल बी समहाउ गिविंग यू एन आउटपुट. ओके, तो यहाँ तक करके रखो, डेफिनेटली विल बी एबल टू मेक इट. एंड आफ्टर दैट इफ यू फील दैट हाँ कुछ पर्सनली जानना है कि क्रैक बिग फोर के बारे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर सकते हैं, कमिंग फ्रॉम दिस कॉलेज दैट कॉलेज, हाउ यू कैन मेक द बेस्ट, यू कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली. एंड इफ यू नीड एनी पर्सनल असिस्टेंट विद मी, चेक आउट माई डॉक्यूमेंट लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन. फ्रॉम देयर यू कैन बुक अ स्लॉट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे का स्लॉट मिल जाएगा. प्रिपरेशन, मॉक प्रिपरेशन, डिजाइन, रिज्यूमे डिजाइन, स्मॉल टॉक्स, स्मॉल क्लैरिफिकेशन, आई कैन बी हेल्पिंग यू आउट, बिकॉज यू नो परफेक्शन इट्स अ राइट डायरेक्शन एंड एक्सपीरियंस पर्सन कैन गिव यू अ बेटर वे टू ग्रैप दैट अपॉर्चुनिटी. चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.